नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में यदि आपका जेसीबी इंजन है या किर्लोस्कर इंजन है, जेसीबी 3DX कोई भी मॉडल हो तो ये काम सेम है। आज के केस में क्या हुआ है, ये जो वायर है एक्सलेटर की वो टूट चुकी है और ये जो हमारा लीवर है जिससे हम RPM बढ़ाते वो यहाँ से निकल चुका है। तो आज के केस में क्या क्या करना पड़ेगा, हर बार जो है ऑपरेटर की कंडीशन अलग अलग होती है। हमारे केस में भी कुछ आज ऐसा ही हुआ है, मैं साइड पे आया था किसी और काम के लिए और यहाँ आने के बाद मुझे ऑपरेटर ने बताया ये भी मेरा निकल चुका है। मैंने मालिक को अभी तक बोला नहीं, लेकिन आप ये मुझे करके दीजिए, ऐसा ऑपरेटर बोला। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है एक बार दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये एक्सीलेटर का हमारा लीवर है, ये पूरी तरह से इनर टूट चुकी है, ये खराब हो चुकी है, आगे से ऐसे फैलनी नहीं चाहिए थी इनर, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी जो ऑपरेटर के पास इनर थी उसमें भी प्रॉब्लम है कुछ, ये देखो ये आगे का मुंह देखिए एक बार, ये देखो ये कैसे हुआ है, ये भी प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी खराब हो चुका है। अभी हमें एक गलती नहीं करना ऐसे सिचुएशन में, ये देखो ये वायर है खराब है, ठीक है ये वायर खराब है, अभी हम इसे निकालेंगे खींच के जोर से तो वायर तो निकल जाएगी लेकिन फिर से ये वायर बिठा नहीं पाओगे आप। एक बार ऐसी हुई फैली हुई वायर निकालते हो तो दोबारा आप उसे भर नहीं सकते, ठीक है। अभी ये जो दूसरी वायर थी इसके पास ऑपरेटर के, इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम है, ये भी हम ठीक से डाल नहीं पाएंगे क्योंकि जो एक्सीलेटर की इनर आउटर होती है ये आउटर में अटक जाएगी, ये टेढ़ी मेढ़ी है आगे से, इसका मुंह एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो निकालनी नहीं है, उसी को रिपेयर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको ये जो लीवर है आपके हाथ में का, सबसे पहले इस एलिंकी को लूज करके लेना है, अंदर से जो यहाँ पे एलिंकी के नट आते हैं ये बाहर आने चाहिए पूरी तरफ, और इसमें इनर बिटा के हमें कसना है। अब पूरा प्रोसेस आपके सामने होगा, आपको देखना है ठीक से मैं किस तरह से करता हूँ। यही पुरानी वाली जो वायर है इसी को लगाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे शोरूम बहुत दूर है, यहाँ से वायर भी अवेलेबल नहीं है, तो यही पे काम चलाना पड़ेगा। किस तरह से करना है ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। आपके पास किस तरह की छोटी वाली एलिंकी चाहिए, सबसे पहले आपको ये जो लीवर है इस लीवर की इस एलिंकी को लूज करना है, ठीक है। लूज होने के बाद यहां पे एलिंकी रहनी नहीं चाहिए, उतना होने के बाद आप इस तरह के स्प्लायर से इसको खींच के लेंगे आपकी तरफ, ये पूरा जाम हो चुका है, ठीक है। ये इससे आगे ज्यादा नहीं निकलेगा, और जहां पे हमारे वॉश पंप पे जहां पे लगता है स्प्रिंग के साथ, पहले सबसे पहले उसको भी छुड़ाना है, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद ये वायर को इस तरह से लगाना है, ध्यान में रखिए इस तरह से लगाना है, आपके सामने है सब कुछ। आहिस्ता आहिस्ता इसे टाइट करेंगे, पहले वाले ये वाले स्क्रू को, ये अंदर जाना चाहिए पूरा, ये अंदर की तरफ बैठना चाहिए, फैल चुका होगा तो आपका ठीक से बैठेगा नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा उसको टाइट करके अच्छी तरह से ग्रिप आनी चाहिए, ये तो ऑपरेटर बोलो कोशिश करके देख लीजिए, इसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक से बैठ नहीं रहा, ये देखो क्या करोगे इस कंडीशन में, पूरा एलिंग के आगे जा चुका है लेकिन वहां पे वायर बैठा नहीं, फिर से उसे दोबारा खोलना है। आपके सामने सब कुछ सीख लियो। जैसी भी 3DX से जुड़ी हर जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले पल में, आने वाले कुछ दिनों में जेसीबी से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम आपके लिए हमारे चैनल पे लेके आने वाले हैं। ये देखो इस तरह से लगाया, थोड़ा सा दिखने में तकलीफ हो सकता है आपको, ये थोड़ा सा टाइट करना है ये स्क्रू को, ये देख लीजिए इसको थोड़ा टाइट किया,
उसके बाद इस पे आना है, इसको थोड़ा टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट किया तो ये निकलेगा नहीं, इसकी वजह से कुछ ऑपरेटर लोग बहुत ज्यादा टाइट करते हैं, बहुत ज्यादा भी। जो अंदर की ये वायर है, ये स्क्रू से ज्यादा टाइट होने से फैल जाएगी, फैल जाएगी तो लूज पड़ के निकल जाएगी। आराम से करना है, जितना भी है आराम से करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में अभी इससे भी ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ मैं आपको, फिर भी देखिए। जब तक कि ऑपरेटर बोला आप नेक्स्ट टाइम या जब भी आओगे तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दीजिए मुझे, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। हमारा वायर पूरी तरह से टूट चुका है, फिर भी जितना बनता है मेरे से उतना मैं करके देने वाला हूँ ऑपरेटर के लिए। ये देख सकते हैं इतना टाइट काफी है, इतना जोर लगाओ बस हो गया, निकलेगा नहीं। उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये एक बुश, एक अंदर वॉशर। इससे क्या होगा, आपका ये वेयर आउट नहीं होगा ज्यादा, इसका जो मटेरियल है निकलेगा नहीं। ये वॉशर ध्यान में रखना है, लगाने से पहले इस वॉशर को डालेंगे और ये बुश को भी डालेंगे। ये इसके अंदर बेयरिंग के जैसा काम करता है, फिर से उसे लगाएंगे हम। इस तरह से लगाना है आपको, इसके ऊपर और एक वॉशर और एक रबर का वॉशर, एक मेटल का वॉशर और नट आएगा। ये इस तरह का रबर का वॉशर लगाना है, इस तरह का ये, फिर एक मेटल का वॉशर आता है ये भी लगाना है, उसके बाद ये 10 का नट। इसको उतना ही टाइट करना है जितना कि ये आपका फ्रीज आना चाहिए लीवर, उतना ही टाइट करना है, ज्यादा टाइट नहीं करना। दस का पाना लगता है, इसको पकड़ से भी थोड़ा आप कर सकते हो क्योंकि ज्यादा टाइट करना नहीं है ना। ये टेम्परेरी काम हो चुका है हमारा, अभी ये जहां से खोला था यहाँ पे उसको लगाएंगे और उसके बाद ये चार स्क्रू को लगाएंगे, ये चार स्क्रू को लगाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए आप, ये इसके अंदर बैठेगा, ये देख सकते हैं इस तरह से लगा के लेना है आपको। ये अंदर ये चारों की चारों स्क्रू टाइट करने हैं आपको इस तरह से, यहाँ एक दो तीन और इसके नीचे एक, यहाँ ये चार स्क्रू टाइट करना है और जितना हो सके उतना इसका यूज कम करना है क्योंकि ये टूटा हुआ इनर है। सेम प्रोसेस है, यदि आप नया वाला इसका इनर लाते हैं वायर एक्सीलेटर तो सेम प्रोसेस से काम करना, आपका काम बन जाएगा। इसी तरह से दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले जेसीबी से जुड़े सारे वीडियो आप देख सकें।